सभी दिल से चाहने वालों को मेरा हाथ जोड़ कर नमस्कार है। दोनों हाथ उठाकर बोलो जय श्री राम। राम राम दोस्तों, हमारे न्यू ब्लॉग में आप लोगों का स्वागत है। दोस्तों आज आपको दिखाने वाले हैं बादशाहपुर का रोशनी। आइए देखते हैं रोशनी और डीजे सेटअप क्या ही गजब सेटअप लाता हुआ है यहाँ पे सुबह डीजे का। आइए इनका हम सुनते हैं सेटअप और आगे का आपको दिखाते हैं दोस्तों क्या ही गजब लग रहे हैं सेटअप और डीजे रोशनी। चाहने वालों को मेरा हाथ जोड़ कर नमस्कार है। दोनों हाथ उठाकर बोलो तो आपको दिखाते हैं ये रोशनी। देखिए दोस्तों क्या ही गजब रोशनी लगा है यहाँ पे बादशाहपुर में। दोस्तों यहाँ रोशनी का कंपटीशन होता है दोस्तों, यहाँ पे जिसका रोशनी फर्स्ट आता है उसको इनाम दिया जाता है। आइए आगे का भी दिखाते हैं, ऐसे ही बने रहिएगा वीडियो में। दोस्तों कई सारे यहाँ पे रोशनी लगे हुए हैं, आप कमेंट करके बताइएगा दोस्तों कौन सा रोशनी आपको अच्छा लगा। आप हेलो गाइस, यहाँ पे देखिए ये वो स्टेज लगा हुआ है, यहाँ पे राम लक्ष्मण सीता हनुमान जी सब यहाँ पे बैठे हुए हैं। यहाँ पे इनाम बढ़ता है, चौकी जाती है जो यहाँ पे, ये इनाम में यहाँ पे मिलेगा आपको जो चौकी फर्स्ट सेकंड थर्ड मतलब जो यहाँ पे निकलेगी यहाँ पे इनाम दिया जाता है। और ये देखिए लाइटिंग लगी हुई है, आगे आपको दिखाते हैं हम। आइए आपको आगे लेके चलते हैं। ये देखिए इनका सेटअप क्या ही गजब का था। इनका सेटअप दोस्तों क्या है था, ये दो डीजे का माल लगाए हुए हैं यहाँ पे, ये दो डीजे का माल लगा हुआ है यहाँ पे सेटअप इनका। इनका सेटअप थोड़ा स्लो बज रहा था क्योंकि हम लोग चल रहे थे इसलिए आवाज़ खुल के नहीं बजा रहे थे। ये इनका सेटअप हल्का फुल्का बज रहा है, आपको दिखाते हैं ये सुनिए। कभी बेकसी ने मारा कभी कभी बेकसी ने मारा। गजब बज रहा था, ये लाइटिंग देखिए, ये खूबसूरत लाइटिंग है, क्या ही बताएं आपको। हम ये देख रहे हैं आप के घोड़ा चल रहा है ऊपर, देखिए फिक्सल में क्या ही रोशनी है। ये ओम बना हुआ है यहाँ पे, ये देखिए क्या गजब। ये साइड साइड में देख रहे हैं आप, एक नंबर का सीधा जा रहा है। ये देखिए कैसा इसे, ये
ये देखिए ये वाला तो मजा आ गया। देखिए ये देख रहे हैं बीच में से चल रहा है। आइए आपको आगे का भी दिखाते हैं। ये पलक डीजे है, पलक ब्रांड। इनका भी सेटअप आप देखिए क्या एक गजब खूबसूरत लाइटिंग लगाए हुए हैं यहाँ पे। इनका सेटअप दिखाते हैं आपको। ये देखिए मशीन वगैरह लैपटॉप वगैरह सेटअप यहाँ पे तैयार किए हैं। ये हाइस वगैरह ये देखिए सार्फी उर्फी सब लगाए हुए हैं यहाँ पे। ये सेटअप आप सुनिए पहले क्या एक गजब का सेटअप बज रहा है, सुनाते हैं आपको। ये सुनिए। करो माँ मुझे आज्ञा दे कि जाने से पहले मैं कुछ कौतुक कर जाऊं। अच्छा बस श्री रघुवीर का नाम स्मरण करके अपना कर्तव्य। इनका ये सेटअप दिखाते हैं। मनीष डीजे का सेटअप है। ये देखिए मनीष मशीन वगैरह यहाँ पे सरियाए हुए हैं। ये सेटअप देख रहे हैं क्या गजब सेटअप लगा हुआ है। सार्फी वगैरह 12 सार्फी लगाए हुए हैं। हाइस वगैरह कसे हुए हैं। क्या ये गजब सेटअप बज रहा है दोस्तों। हम सेटअप सुनाते हैं आपको। ये सुनिए जी गाइस। ये देख रहे हैं ना ये मनीष डीजे के चौकी है। चौकी भी अच्छी है दोस्तों। क्या है गजब लाइटिंग वगैरह लगे हुए हैं चौकी में। मस्त लगा हमको तो चौकी। ये देखिए सब कलाकार बैठे हुए हैं यहाँ पे। मनीष डीजे का सेटअप आगे लगा ही था आपको दिखा दिए। एक सेटअप ये है इनका सेटअप दिखाते हैं आपको। ये इनका सेटअप है शिवाय डीजे है। ये इनका भी सेटअप बहुत टाफ है। क्या ही क्या जब सेटअप है क्योंकि ये साइड अप बांधे हुए हैं। ये देख रहे हैं शिवाय डीजे। आइए आगे का भी दिखाते हैं। कब जाके क्या है क्या जब बज रहा है। ये डीजे का नाम तो आप सुने ही होंगे। क्या ही गजब लाजवाब प्रतापगढ़ रानीगंज की शान है दोस्तों। प्रदीप डीजे क्या ही घमासान आवाज है इसका। ये आपको सेटअप सुनाते हैं। ये दोस्तों तो प्रदीप डीजे का आवाज सुने लिया। ये सुनिए बकरी दी बैंड पार्टी है दोस्तों। ये प्रतापगढ़ से आया हुआ है। ये आपको दिखाते हैं क्या ही गजब सेटअप लगा हुआ है। ये भी एक नंबर का। आइए इसका भी सुनाते हैं। आप कौन सुनिएगा ये बताइएगा कैसा बच। तो आप तो रानीगंज में आशीष डीजे का नाम तो सुने ही होंगे। क्या ही घमासान सेटअप लगा हुआ है क्या ही बताएं आपको। जबरदस्त एक नंबर का सेटअप लाता हुआ है। ये आपको हम सुनाते हैं। ये सुनिएगा कैसा बज रहा है आशीष डीजे रानीगंज।